अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं हमारा फार्म गार्डन चैनल। वेलकम है हमारे चैनल पे। दोस्तों हमेशा की तरह हम इस बार भी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैरी से होंगे और बहुत खूबी अपने अच्छे अंदाज से गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डहलिया फ्लावर के ऊपर। डहलिया प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं और इनका फ्लावर जो होता है वो बहुत ही अपनी ही एक पहचान रखता है। दोस्तों हर किसी का दिल करता है कि घर में डहलिया लगा हो और उसके बड़े बड़े फ्लावर जो हैं वो खिले हुए हों। तो ये जो आप देख रहे हैं ये देसी डहलिया है, एक बड़े से भी बड़े फ्लावर वाला डहलिया होता है जिसको इंडियन डहलिया बोलते हैं। दोस्तों वो भी एक होता है और एक ये दो किस्म के डहलिए होते हैं। इसमें डिफरेंट कलर भी मौजूद होते हैं, कलर इसमें काफ़ी आपको मिल जाते हैं। तो ये देसी डहलिया है, इसकी मैं पनीरी लेके आया था गार्डनिंग शॉप से। तो आप जो है इसको नवंबर में लगा सकते हैं। इसकी पनीरी जो होती है वो नवंबर में स्टार्ट में मिलना शुरू हो जाती है गार्डनिंग शॉप से। तो इसको लगाना बहुत ही आसान होता है, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि इसके लिए जो गमला होता है वो थोड़ा सा बड़ा लेना है। छोटे गमले में आप ये सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी बड़ी होती है। हाइट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हो जाती है। और इसी तरह ये पेटूनिया है, पेटूनिया भी बहुत ही शानदार फ्लावरिंग करता है। ये देख रहे हैं अभी के अभी फ्लावरिंग आ चुकी है इसके ऊपर। अभी समर स्टार्ट होने वाला है तो ये अभी अपनी फ्लावरिंग इसकी पीक पे है। तो अभी जो जितने भी फ्लावर ये देगा तो जब तक ये शेडी एरिया में पड़ा रहेगा तो तब तक ये फ्लावरिंग देता रहेगा। जैसे ही इसको फुल सन में हम रख देंगे या इसको फुल डायरेक्ट सन मिलेगी तो ये जो है वो मरना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये भी एक पेटूनिया की फ्लावर है। तो ये भी जो अपनी पीक पे है, अभी फ्लावरिंग डोडियाँ भी लग रही हैं इसको और ख़त्म भी हो रहे हैं। पहले जो 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 फ्लावर खिल रहा है वो ख़त्म भी हो रहा है साथ साथ। तो इसी तरह जो है इसका सिस्टम चलता रहता है। साथ ही हमारा ये यूफोर्बिया मिली है, इसके ऊपर भी ढेर सारी फ्लावरिंग आई हुई है। आप देख सकते हैं कि इसके ये भी एक समर लेवलिंग प्लांट है। इसको बहुत ही आसानी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे ये देखेंगे ये प्लांट जो है समर की वजह से, सन की वजह से जो कुछ ख़त्म भी हो रहे हैं, कुछ नए फ्लावर्स दे रहे हैं, कुछ जो है अभी नॉर्मल हालत में है। तो इसी तरह जो जैसे जैसे गर्मियां स्टार्ट होती जाएंगी ये हमारे सीजनेबल जो प्लांट थे, सीजनल प्लांट थे, ये ख़त्म होते जाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक पेटूनिया है। पेटूनिया के बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कलर होते हैं। आप जो है इसको अक्टूबर नवंबर में लगाएं तो आपको ये टाइम से ही आपकी गार्डन में फ्लावरिंग देगा और काफ़ी देर तक देता रहेगा। तो ये एक बहुत ही लविंग प्लांट है। इसके जो कलर्स होते हैं वो आपको मुख्तलिफ शेप से मिल जाएंगे और बहुत ही बड़ी तादाद में इसको लगाया जाता है। जो लोग शौकीन हैं वो तो लोग लगाते हैं इसको। तो उसके साथ ही ये डहलिया भी जो अपने फ्लावरिंग है वो कुछ निकाल रहा है, कुछ इसने निकाल लिए हैं। तो ये सन फ्लावर है, सन फ्लावर भी जो है अपने फ्लावर निकाल रहा है आस्ता आस्ता से। तो जो आप सन फ्लावर है वो अभी गर्मियों में सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि ये सीजनेबल प्लांट ही है, समर प्लांट ही है। तो ये डहलिया है, डहलिया वाइट डहलिया है। इसके ऊपर भी ये देखें जी अभी जो है इसके अंदर सीड बनेंगे, सीड के बाद ये हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट सीजन में हम इसको ग्रो कर लेंगे। तो इसी तरह ये हमारा मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड भी अपनी जो है पोजिशन छोड़ रहा है क्योंकि गर्मियाँ अभी स्टार्ट होने वाली हैं, हो भी गई हैं, धूप काफ़ी होती है। तो अभी ये बैक आ रहा है क्योंकि इसके प्लांट जो हैं वो अभी मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक फ्लावरिंग है, इसके ऊपर देखें कितनी प्यारी फ्लावरिंग आई हुई है। तो इसी तरह जो है वो ऐसा ऐसा से कुछ प्लांट जो है हमें फ्लावरिंग देते रहेंगे, कुछ ख़त्म होते रहेंगे। तो ये जो है फ्लावरिंग इसी तरह चलती रहेगी, तो डोडियाँ लगती रहेंगी। तो दोस्तों जो है समर सीज़न में जो फ्लावरिंग होते हैं, प्लांट होते हैं, वो आप उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा एक डिटेल से कि आप कौन कौन से प्लांट अभी समर में लगा सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत डहलिया का फ्लावर है, ये काफ़ी हेल्दी भी है और बड़ा भी है। तो इस तरह जो देसी डहलिया है ये तो आप घर में आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन जो इंडियन डहलिया होता है उसकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। इसके केयर से मुराद कि उसको कटिंग से महफूज करना होता है, उसको सारा साल आप महफूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ठंडी इलाकों से आया हुआ होता है और ठंडी जगह पे ही वो सर्वाइव करता है, गर्म इलाकों में वो सर्वाइव नहीं करता। तो ये इसी उससे बेहतर है कि आप इस तरह के जो देसी डहलियाज हैं उसको आप लगा सकते हैं, उसको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।